सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बनने वाले भवनों का शिलान्यास किया। रानीपुर विधानसभा के हेतमपुर गांव में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम से हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रानीपुर, रुड़की, खानपुर और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में 173 करोड़ की लागत से करीब 2400 मकानों का निर्माण होना है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में करीब 20,000 लोगों को लाभान्वित किया गया जाएगा। जो भी गरीब कल्याण परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, तो जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे तीन योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं, और जिनके भी जो भी पात्रता में उसमें आते हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, उन सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्वरूप पूरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्वरूप, 20,000 करीब ऐसे गरीब लोगों को जिन्हें अब इन घरों का सहारा मिलेगा, लाभ मिलेगा, एक तोहफा कह सकते हैं कि हरिद्वार वासियों के लिए आज सीएम की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, क्योंकि हरिद्वार के लोगों के लिए पिछले काफी लंबे समय से इस चीज का इंतजार था, क्योंकि जो निम्न वर्ग का जो तबका आवास की समस्याओं को लेकर जो है हमेशा जो है देश के प्रधानमंत्री भी आह्वान करते आए, ऐसे में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने से इनके चेहरों पर भी खुशी कि देखी जाएगी, क्योंकि अभी शिलान्यास हुआ है और 2025 तक टारगेट को पूरा करना है। कम से कम 2400 के करीब जो है मकानों का जो है शिलान्यास किया गया है, और ये जल्दी जो है तैयार होकर इन लोगों को मिलेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, करीब करीब 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें इस सुविधा से लाभ मिलने वाला है। कितना समय लगभग इन भवनों को बनने में लगेगा? देखिए, 2400 मकानों का जो है आज शिलान्यास हुआ है, हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में हुआ है, और 2025 तक इस टारगेट को पूरा करना है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अवसर है लोगों के लिए, क्योंकि पिछले काफी लंबे से वो इस समय का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अब जल्द ही उनका जो सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। खासतौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी जो है एक बड़ा तबका ऐसा है जो मकानों से वंचित है और यहाँ अपना मकान भी बनाना चाहता है, तो ऐसे में जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर जो फायदा होगा वो निश्चित तौर पर उनके लिए खुशी की बात होगी, और जल्दी जो है 2025 तक इस टारगेट को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अब तक प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि पीएम आवास योजना की इस योजना से कितने ज्यादा लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं स्वरूप। ऐसे में इन तमाम गरीबों के चेहरे पर, निम्न वर्ग के लोगों के चेहरे पर वो खुशी निश्चित रूप से देखी होगी। स्वरूप, हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई और निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में देश के सभी प्रांतों से संत भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। बैठक में धर्मांतरण, ऊंच नीच, भेदभाव जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित होंगे। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार समेत कई मसलों पर संतों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। देश भर से आए साधु संत इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर हालांकि अहम चर्चा होगी और चर्चा के बाद निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में देश के सभी प्रांतों से संत भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो हमारे लगभग निश्चित हैं, पहला मुद्दा है कुटुंब प्रबोधन का, दूसरा मुद्दा है घर वापसी का। यह संत इस पर विशद चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जैसे ज्ञानवापी का विषय है, कश्मीर में जो जिस ढंग से जनसंघार का दृश्य बनता जा रहा है वह विषय भी है,
सामान्य नागरिक संस्था है, मठ मंदिर का जो अधिग्रहण सरकार ने किया है उनकी मुक्ति का विषय है, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये मुद्दे भी हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे आईएएस रामविलास यादव पर उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए के पूर्व सचिव रामविलास यादव के लखनऊ देहरादून स्थित 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लखनऊ पुरानिया के पास है रामविलास यादव का आवास। आपको बता दें कि उनके खिलाफ 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रामविलास यादव इसी महीने 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। अपर सचिव रामविलास यादव के ठिकानों पर उत्तराखंड विजिलेंस की कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता शादाब शम्स का यह कहना है कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, भ्रष्टाचारियों के लिए बीजेपी सरकार में कोई जगह नहीं है। 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ईडी के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्ति वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो ये चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं चलेगा कि आप भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मनी इकट्ठा करें और आपके पास कोई कहने सुनने वाला नहीं। पुरानी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है, ये नए मुख्यमंत्री के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एक नए युग की ओर भारत बढ़ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी ब्लैक शीप्स हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब अपनी अपनी गठड़ी मजबूत कर लें। अब उन्हें हम सलाखों के पीछे भेजना शुरू कर रहे हैं। एक एक करके जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें उनकी असली जगह भेजा जाएगा। जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, वो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होकर बिल्कुल क्लीन निकल के साफ आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, रामविलास यादव जो कि आईएएस हैं, अपर सचिव हैं, उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पूजा, ये रामविलास यादव उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए थे 2019 में। बेसिकली पीसीएस से, पीसीएस से ये प्रमोट ही आईएएस है, और आईएएस कैडर मिलने के बाद ये उत्तराखंड आए थे और 19 से ही ये उत्तराखंड में रह रहे थे। 30 जून को इनका रिटायरमेंट भी है, लेकिन विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि इन्होंने अपनी आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति जोड़ी है। पूजा, आप समझ सकती हैं इस आंकड़े को। उसके बाद विजिलेंस ने जब जांच की तो विजिलेंस के पास जो दस्तावेज मिले उसमें साफ लग रहा था कि बहुत इन्होंने बेनामी संपत्ति, अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति बहुत ज्यादा जोड़ी हुई है। जब विजिलेंस ने अपनी जांच की, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, कई बार इनको समन भेजे गए, इनको कॉल की गई, ये नहीं आए और ये 15 दिन की छुट्टी लेकर के देहरादून से बाहर चले गए। अब विजिलेंस ने लखनऊ में इनके जो भी इनके कह सकते हैं कि आवास हैं या इनके जो परिसर है वहां पर छापेमारी की है। देहरादून में भी जो सरकारी आवास है उसमें भी दस्तावेजों को खंगाला गया है, और यही वजह है कि बीजेपी भी साफ तौर पर कह रही है कि अब सरकारें बदल चुकी हैं, राज्य का मुखिया बदल चुका है, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और मैं आपको बता दूं कि किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई उत्तराखंड में पहली बार हुई है, और इससे अब ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप है और कहीं ना कहीं सरकार ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है। भले ही जो रामविलास यादव हैं इन्होंने जो भी काम किए हों, जो भी कारनामे किए हों, वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा किए हैं क्योंकि यहाँ इनको इतना ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो छात्रवृत्ति घोटाला था उत्तराखंड का, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता रही होगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में भी निदेशक के पद पर थे और वहां पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है छात्रवृत्ति को लेकर के। तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी कुछ ना कुछ इन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इनके मामले उत्तर प्रदेश से ही है क्योंकि ये 19 में ही उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। ये अहम जानकारी है कि अगर छात्रवृत्ति घोटाले मामले में अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट अगर ये इन्वॉल्व हुए उसमें तो बड़ी कार्रवाई इन पर निश्चित रूप से है। वो तो वैसे भी होगी क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी की ओर से अपनाई जा रही है, 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, और शादाब शम्स का कहना भी है कि ऐसे किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड विजिलेंस को जानकारी मिली थी कि आय से 500 गुना ज्यादा पूछा
चार गुना, दस गुना, बीस गुना नहीं बल्कि 500 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की। और जब विजिलेंस ने अपनी जांच की तो उसकी फाइंडिंग में ये बात तय, बहुत संपत्ति जो है वो बहुत ज्यादा है। 19 अप्रैल को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तब से लगातार विजिलेंस पूछताछ के लिए इन्हें बुला रही थी, इन्हें कॉल कर रही थी, ये टालते गए और फाइनली अगली छुट्टी लेकर जब वापस कहीं चले गए उत्तराखंड से तो विजिलेंस को अपना एक्शन लेना पड़ा। छात्रवृत्ति घोटाले में अब इनका रोल कितना है, किस तरीके से, क्योंकि जो छात्रवृत्ति घोटाला है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये भी अब विजिलेंस का विषय है कि इनकी उसमें संलिप्तता कितनी रही है, क्या उस घोटाले में भी इन्होंने संपत्ति जोड़ी है या उस घोटाले में भी ये पूरे ढंग से इन्वॉल्व है, ये भी इसमें जांच में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये छापेमारी की है, एक आईएएस के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है, विजिलेंस ने ताबड़तोड़ उनके हर ठिकाने पर छापे मारे हैं, ये एक मैसेज भी है कि जो गलत है वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार में ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर ही रही। बिल्कुल, जो गलत है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी की ओर से जिस तरह से अपनाती आई है वो इन आईएएस रामविलास यादव पर भी अपनाई जाएगी। 7 ठिकानों पर छापेमारी लगातार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सिन्हा आपका जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भैया को ये न दिखे फाटक बंद है क्रॉसिंग का, गेटमैन से झगड़ा करते बनते ये बड़ के विद्वान, चले गए कोमा में ये पढ़े लिखे थे ये नादान, जान गंवाने के तरीके आसान, लापरवाही इनकी पहचान। भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। क्या इतनी सस्ती है आपकी जान? याद रहे, आप गप्पू न बने, अपनी न सही, अपने परिवार की चिंता जरूर करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाली यात्रा की सरकार जुटी हुई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर आसमान से फूलों की वर्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अभी तक करीब 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यात्रा शुरू होने वाली है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के हमारा पर्यटन विभाग जो है काम करेगा और सभी निर्देश जिलाधिकारी महोदय को दे दिए हैं, और जब ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हमारी सरकार पुष्प वर्षा करेगी और सभी कांवड़ियों का अभिनंदन करेगी। निश्चित रूप में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि यमुनोत्री में 2,48,25, गंगोत्री में 3,32,648, केदारनाथ में 6,04,446, बद्रीनाथ में 6,28,146, हेमकुंड साहब में 91,660। ये ग्रैंड टोटल जो है जिसमें कुल हमारे दर्शनार्थी और पर्यटक आए हुए हैं उनका 18,64,995 की संख्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और हमारी चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड कायम किया है। निश्चित रूप में हम लोग गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे और लिमका पुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू को अपने प्रेम युवक नाम बताया था, जब एक है और जिन्होंने एक आरोप
सुसंगत धाराओं खांसी के मरीज ज़्यादा आते हैं, एलर्जी कफ के आ रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे पेशेंट, और थोड़े बहुत वो हैं फीवर वगैरह का भी है पेशेंट उसके कुछ ही नहीं है। जुकाम खांसी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दवाई दवाई करी आप लोग? हाँ दवाई दवाई की, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही है। तो कितने लोगों को हो रहा होगा ये? लगभग सभी को रहा, खांसी तो सभी को रहा है, जुकाम सभी को रहा है। यमुनोत्री धाम की यात्रा बड़ी चरम पर है और यहाँ लगातार जो है हर रोज हजारों की संख्या में आम श्रद्धालु पहुँच करके माँ यमुना के दर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रशासन और जिला पंचायत की तरफ से सफाई अभियान यहाँ जरूर चलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मजदूर हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खांसी और बुखार की बीमारी से ग्रसित है। जिलाधिकारी ने यहाँ पर टीमें भेजने की बात की है ताकि जो बुखार और खांसी से पीड़ित लोग हैं उनका समय से इलाज हो सके। सुनील थपलियाल, सहारा समय, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 288 नए युवा अफसर मिल गए हैं। दक्षिणी पश्चिम कमान के जेसीओ अमरदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी ली है। इस बार पासिंग आउट परेड के बाद कुल कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिसमें मित्र राष्ट्रों के 89 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। परेड को देखते हुए अकादमी के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई थी। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के बाद युवा अफसर जो भारतीय सैन्य अकादमी के साल भर के कड़े परिश्रम के बाद आज 288 जो युवा है उन्होंने आज देश की आन बान शान की रक्षा के लिए आज बिल्कुल तैयार है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स है एक ही हो कि उनसे बात करें किस तरीके से आज खुशी इन लोगों के साथ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति केस्टा है, हम हिमाचल से रहने वाले हैं, और मेरा भाई है अनिरुद्ध सिंह जो आज पास आउट हुआ है, और हमें बहुत खुशी है। हम जब भी उसको बचपन से देखते थे वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड था, उसे आर्मी में ही जाना था, बहुत डेडिकेशन था। मैंने उसे फीलिंग वेरी मेरा नाम है विजय कुमारी। मैम परिवार के साथ है, आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्या कहेंगे आप? सचमुच में आज बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे बच्चे का शुरू से ही इधर सेना में जाने का ही रुझान था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की, आज वो इसमें सफल हुआ है, तो हमें तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी अनुभव है।
आई रियली फील अपने भाई को देखते जो रास्ता जो देश की सेवा का है और हमारा हमारी जो सेना है उसकी सेना के साथ काम करने का, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ और उसको लेके मैं औरों वीडियोस देख और मैं और युवा यही कहना कि अपने अपने कीजिए थोड़ा जानना होता है, परमात्मा सबका साथ देता है। थैंक यू। ये रजिस्ट्री आने का है, लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी कागजातों को भी करने कोई कर्मचारी कहना है श्रेणी कर्मचारी कर इस समय से ये आएगा। पोस्ट मास्टर दीपक गोस्वामी का ये कहना स्टॉप इस तरह आपको मतलब आपको दो सुबह डाम के लिए भी करता है काम और उसके बाद एमपीसी मतलब स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से अगर कोई आदमी मतलब काउंटर कर रहा तो हम खुद जाके उसकी बुकिंग कर देते। उत्तराखंड के राज्य लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को नैनीताल के राजभवन परिसर में स्वयं सहायता समूह के बना इस प्रदर्शनी में नैनीताल के कोटाबाग हरी रामगढ़ मोटा हल्दू आदि स्थानों की महिलाओं ने अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित की और इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वो आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि नैनीताल आने वाले पर्यटक इन उत्पादों को खरीद सकें इस लक्ष्य पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्पादों में वैल्यू एडिशन के साथ साथ उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही, चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। हरिद्वार में सीएम धामी ने पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का किया शिलान्यास, जिले में 173 करोड़ की लागत से करीब 2400 भवनों का होगा निर्माण। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की दो दिन की बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड ज्ञानवापी मामला समेत कई मुद्दों पर मंथन। जीरो टॉलरेंस पर उत्तराखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने अपर सचिव रामविलास यादव के लखनऊ देहरादून स्थित 7 ठिकानों पर मारा छापा, यादव संपत्ति का है आरोप। आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 288 नए युवा अफसर, मित्र देशों से 89 कैडेट्स भी हुए पास आउट, दक्षिणी पश्चिम कमान के जेसीओ अमरदीप सिंह ने ली परेड की सलामी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप लोग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samlive.com पर। सहारा प्रणाम।